इन्फो फॉर पेशेंट के ऊपर भी है, वो डायलिसिस टेक्नीशियन के ऊपर भी है, तो ये मेन एलिमेंट होता है। तो सर जब डायलिसिस मशीन को यूज़ किया जाता है, एक पेशेंट ने यूज़ किया है तो दोबारा नेक्स्ट पेशेंट की जब बारी आती है तो डायलिसिस मशीन में जो खून लगा होता है पहले पेशेंट का वो दूसरे पेशेंट में नहीं, उसमें ट्यूबिंग जो होती है ना सारी चेंज कर देते हैं। अच्छा, एवरीथिंग चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, उस ट्यूबिंग सेट आता है जो लोग डायलिसिस करते हैं उसका इंटरनल जो होता है उधर भी, उधर मसला नहीं होता। अच्छा। उसमें भी मेन बात ये होती है ना कि हमें ज़्यादा मसला क्या होता है कि हेपेटाइटिस का, अच्छा, और एड्स का, कि वो तो नहीं लगे हुए पेशेंट को, तो वो इन मरीजों के रिपीटेडली इनके टेस्ट हो रहे होते हैं। ये बल्कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट आपको इस सिलसिले में मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और जो इस तरह के मरीज होते हैं उनकी मशीन अलहदा होती है, उनकी मशीन अलहदा रखी जाती है जिनमें हेपेटाइटिस नहीं है या खुद अल्लाह माफ़ करे एड्स का मसला नहीं है, तो उनके अंदर उनको अलहदा रखा जाता है उनसे जिनमें ये मसाइल है। जिसमें जो ना ये मसल बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट आपको इस बारे में बेहतर गाइड करेंगे। डायलिसिस के मरीजों के लिए, ये भी फिस्टुला के मरीजों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, मेरा पैगाम ये है कि आप अपने, जब आपके गुर्दों की खराबी का मामला स्टार्ट हो गया है, आपका जो अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर पूछें कि जी हमें डायलिसिस की कब तक ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो आपका पहला डायलिसिस होना चाहिए वो फिस्टुला से होना चाहिए। जो एक तंजीम है आलमी जो इसी काम के लिए, कि जो सिर्फ गुर्दे के जो मरीज़ हैं गुर्दों के फेलियर के और जो फिस्टुला है उनके लिए, तो उसमें वो कहते हैं जी राइट फिस्टुला एट द राइट टाइम, राइट एक्सेस एट द राइट टाइम, राइट एक्सेस, राइट डायलिसिस एक्सेस एट द राइट टाइम इन द राइट पेशेंट। ये तीन चीज़ें हैं कि आपने सही बनाना है, सही कौन सा हाँ। तरीका इख्तियार करेंगे वो सही हो ठीक है, सही टाइम पे हो, और वो जो इस मरीज में बना रहे हैं ना वो उसके लिए कस्टमाइज्ड हो, उसके लिए वो मैच करता हो, ठीक है। तीनों चीज़ें होनी चाहिए तो वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा जी, ठीक है। फिर दूसरी बात जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि हर मरीज़ के अंदर कुछ मरीज़ बेचारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जिनमें भी फिस्टुला ना बन सके, उनमें दूसरे तरीके मौजूद हैं, लेकिन अगेन ये फैसला नेफ्रोलॉजिस्ट और वैस्कुलर सर्जन मिलके करते हैं। तो सर दूसरे तरीके कौन से? दूसरे तरीकों में जिस तरह आर्जी तौर पर डाली जाती है नाली, जो गर्दन के अंदर नाली डाली जाती है उसके ज़रिए किया जाता है कि एमरजेंसी में करना पड़े या आर्जी तौर पर करना, दूसरी होती हैं, तीसरी चीज़ होती है उनको कहते हैं बरेट कैथेटर, जैसे पम कैथ बड़ा मशहूर नाम है, जो पम कैथ डाल देते हैं वो यहाँ पे सीने के इधर से डाल के किया जाता है, उससे किया जाता है। फिर एक बड़ा और तरीका है डायलिसिस का, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस के पेट के अंदर एक नाली डाल देते हैं पानी वाला उसके जरिए से हो सकता है, लेकिन ये सारा नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा कि जी ये सारे नेफ्रोलॉजी के डोमेन में, ये नेफ्रोलॉजी के डोमेन में आ जाता है। लेकिन सर वो गर्दन वाला जो जी वो भी आप करते हैं एमरजेंसी? जी बिल्कुल, पम कैच जो है वो हम डालते हैं, इसके अलावा जो दूसरा है गर्दन वाला।